गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस सुबह के बज गए हैं 10, हम लोग उठ गए हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। एरिक इधर खेल रहा है, मैं बात कराती हूँ एरिक से। आप तो सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमने। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? खाना बना, अभी ठंडा हो जाए फिर देती हूँ। मैं गैलरी में आई हूँ आज बड़े दिनों के बाद। इतनी तेज़ इतनी अच्छी धूप आई है, मज़ा आ रहा है। ऊपर जाने का टाइम नहीं लग रहा मुझे, छत पे जाना है धूप सेकने के लिए, बट मुझे अभी काम है। मस्त धूप आ रही है, मस्त हो गई आंटी सफाई। मैं कहा हो गया बर्तन। चाय बनाते हैं थोड़ी सी, आप पियोगे? मेरी चाय बन गई है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, ये मैं हस्बैंड को दूंगी। अपने नाना नहीं है तुम नैनू अभी? नहीं नहीं करना अभी नैनू, नहीं करना है अभी, नहीं करना है। तो गाइस नाश्ते में बन रहा है टोफू पनीर की भुर्जी, और साथ में बनाएंगे चने की दाल की परांठी या पूड़ी, जो भी बनाएंगे। नाश्ता लेगा ऐना, और मम्मा पूड़ी नहीं खाएगी, मम्मा खाएगा परौंठी। मम्मा भी परौंठी खाएगी। एरिक के लिए है पूड़ी। नहीं प्रो। एरिक को मैंने पूड़ी और पनीर की भुर्जी दे दी है, तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ दाल की परांठी। और एरिक ऊपर चला गया धूप में, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए धूप में चली जाऊँगी फिर नाश्ता करके। मेरे परांठे थोड़े थोड़े जल गए हैं, मैं जल्दी जल्दी में बनाए हैं। ये मिश्का की रोटी है। चलो चलो छत पे चलो, चलना ऊपर ऊपर चल ले मोटी भैंस। हम आए हैं छत पे, ये देखो एरिक लेके आया पतंग, पता नहीं किसकी उड़ के आई है पतंग इसके पास। इसका धागा कहाँ है? इतना छोटा सा बस। अभी अमन भैया को बोलेंगे ना पतंग लेके आएंगे, फिर कल पतंग उड़ाएंगे हम लोग। आज मज़ा आ गया धूप का। देखो हम मिश्का को भी लेके आए ऊपर। ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी पतंग एरिक उड़ा रहा है। अब चलते हैं घर, एरिक के पापा को भी ऑफिस जाना होता है, तो थोड़ी देर में देखेंगे आएंगे तो धूप सेकने। धक्का नहीं लगा उसको ना, घूमी उमी कहीं नहीं करनी है ना, घर जाना है अपने आराम से। तुम ना तैयार हुए नहीं हुए तैयार, एक ही जैसे लगते हो तुम, एक ही जैसे दिखते हो ना, नहला के कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। जल्दी से बनो। अब मैं और एरिक एक चक्कर स्कूटी में मार के आते हैं, एरिक के पापा को भी छोड़ना आगे तक, हम लोग भी थोड़ा घूम के आ जाएंगे स्कूटी में। क्यूट से है ना, ये लो लो, खाओ खाओ खाओ, बस अब इनको खाने दो बेटे, खा लें दो इनको थोड़ा पीछे। इसको क्यों पता नहीं कर रहा है चींची, लगी तो नहीं तुमको चोट कहीं? ना ना बहुत है, और खड्डे भी बहुत है, तो अब चलो घर चलते हैं वापस।
ये देखो एरिक के साथ कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है इसकी, हम लोगों को देख के इतना खुश हो जाता ना ये। बेबी गंगू, एरिक बहुत जिद करता है, कभी भी हम यहाँ से निकलते हैं ना, अभी जा ही रहे थे घर, तो कहता है मम्मा थोड़ी देर से थोड़ी देर खेल लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हम फिर रुक गए ऐना के लिए, है ना। बहुत प्यारा बच्चा है ये, जो ये छोटे छोटे पप्पीज है ना, ये भी उन्हीं उसी माँ का बच्चा है, ये भी माँ का बच्चा ही होता है, माँ का बच्चा है ये भी, छोटा सा बट बहुत प्यारा है। उसके बहुत बड़े दांत है, और दिखाता हूँ मैं। बिट्टू दांत मत करो ना, अभी आपको फिर ना हैंडू में लग जाएगा। एक मिनट बेटे यहीं पे वेट करो, एक ना प्रॉब्लम हो गई है, जो छोटे छोटे पपी थे ना उसको, छोटे से पपी को चोट लग गई है, तो इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल आए हैं, अभी इसका एक्सरे करवा रहे हैं, देखते हैं, अभी फ्रैक्चर हो गया मुझे लग रहा है उसके। बेचारा वो ना डरा हुआ भी है, डरा हुआ है वो, इस चक्कर में ना कुछ खा भी नहीं रहा है। बेबी हाँ मेरा बच्चा, आ जा क्यूटी, आ जा क्यूट जी। ज़्यादा दर्द हो रही थी ना इसको, तभी ये कुंकुम भी कर रहा था। नहीं तो थोड़ा बहुत, ये दोनों दोनों वाला बता रहे हो ना, अब दोनों टूटी गए। ठीक यहाँ से ये देखिए, बाहर से इतना देखने में लग नहीं रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा। ये ना छोटे पप्पी के दोनों मतलब लेग्स में फ्रैक्चर हो गया है बेचारे को, भैया ने जान के तो नहीं करा, पर गलती से गाड़ी के नीचे सोया हुआ था तो इसको लग गई, बट ये है कि चलो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी है। हम लोग घर जा रहे हैं पप्पी को लेके, एक्चुअली इसकी जो टांगें टूटी हुई है ना, ये इतना छोटा है अभी, इसकी सर्जरी होना भी बहुत मुश्किल है, सर्जरी भी नहीं हो पाएगी, देखते हैं अभी घर जाके सोचते हैं क्या करना है। ये रहा छोटा सा पप्पी, मुझे ना इतना बुरा लग रहा है ना, इसकी दोनों टांगे टूट गई है, अब ये कैसे ठीक होगा, कैसे जिएगा। ये लोग कह रहे हैं कि इसकी सर्जरी कराएंगे तो इसके चांसेस बहुत कम है, मतलब जुड़ेगी नहीं, और ये बहुत छोटा भी है, सर्जरी होना बहुत मुश्किल है भी दोनों टांगे हैं। मैं अभी उन्हीं के साथ आई हूँ जिन भैया के टायर के नीचे ये आया, उन्होंने भी जान के कुछ नहीं किया, वो अचानक से पीछे से पपी आ गए थे तो उसके टायर के नीचे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ था। अरे बहुत तरस आ रहा, मैं घर भी नहीं ले जा सकती उसको। चलिए गाइस मैं ना ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मैं मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बाद में बात करूँ।